प्रणाम चाची, खाना वाना बना ली का? अरे हमको छोड़ो, तुम इतना जल्दी में काहे हो, कहीं जाना है का? गर्मी का दिन है ना, इसीलिए सुबह 9 बजे जल्दी जल्दी खाना बना लिए हैं। ये सब का बड़बड़ा रही हो? गर्मी का दिन है, 9 बजे तक खाना बना लिए हैं, कौन भूत उत चढ़ गया का? अरे भूत उत नहीं चाची, कल बगल का टोला में आग लग गया था, बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। वही मुखिया जी बता रहे थे कि घर में आग लगी से बचने के लिए दिन का खाना सुबह 9 बजे तक और रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बना लेना चाहिए, क्योंकि पछुआ हवा के समय आग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। भोजन बनाने के बाद चूल्हे के आग को जल्दी से पूरी तरह बुझा देना चाहिए और दिया, मोमबत्ती, लालटेन को ऐसे जगह रखना चाहिए जहाँ गिरकर आग लगने की संभावना कम से कम हो। अरे मुनिया, इतना तुम कहाँ से जान गई? तुम भी गई थी का? ना ना, हमको तो आग से बड़ा डर लगता है, हम तो एक किताब में आगलगी के बचाव के उपाय ही पढ़ रहे हैं। आग बुझाने के लिए मिट्टी और बालू को बोरे में भरकर और 2-3 बाल्टी पानी घर में जरूर रखना चाहिए। आप जो पूजा पाठ और हवन करती हैं, उसको भी सवेरे ही निपटा लीजिएगा। किचन में जाने पर अगर गैस की गंध आ रही हो तो बिजली का स्विच ऑफ ऑन नहीं करना है या गैस लाइटर, दिया सलाई नहीं जलाना चाहिए। पहले सभी खिड़कियां दरवाजे खोल दें और रेगुलेटर का नॉब कसकर बंद कर लें, जिससे गैस बाहर निकल जाए और रिसाव बंद हो जाए। गैस का रिसाव नहीं होने की दशा में ही किचन में कुछ करने पर सोचना चाहिए। खाना बनाते समय हमेशा सूती का ही कपड़ा पहनना है और यदि फिर भी आग लग जाए तो 101 नंबर पर फोन कर तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला लेना चाहिए। अरे चाची, कहाँ चल दी? चाय तो पीते जाइए। चाय बाद में, हमरे घर का बच्चा सब इतना शैतान है कि पूछो मत। खेत से हरा चना, छिम्मी, भुट्टा ये सब लेके आया है, घरे में पका रहा होगा। हम तो समझ गए, अब उन लोग को भी समझा देते हैं कि आग से खिलवाड़ नहीं, पकाना है तो घर के बाहर हमरे सामने पकाओ। हाँ, क्योंकि जो हर पल सतर्क रहेगा वही अगलगी की दुर्घटना से बचेगा। Thank you.